हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ एक्सपर्ट में आउटलाइन पेन टूल इफेक्ट सीखेंगे। सबसे पहले हमें टूल बॉक्स में जाना रहेगा। टूल बॉक्स में हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया है आउटलाइन पेन्स, उसमें सबसे पहले है आउटलाइन पेन एंड आउटलाइन पेन कलर। आपको जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और आपके पेज पर ड्रॉ करिए। और अभी हम आउटलाइन पेन में जाएंगे। टूल बॉक्स में आउटलाइन पेन पर क्लिक कीजिए, आपके सामने इस तरह का बॉक्स खुल जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया हुआ है कलर का। आपको जो भी कलर फिल करना है आप यहाँ से कलर सिलेक्ट करके ओके दोगे। आप देख सकते हो आउटलाइन पे कलर आ गया है। F12 करके आप डायरेक्टली बॉक्स खोल सकते हो और अदर कलर्स में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स दिखाई हैं कलर्स की। जैसे हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर रहे हैं मेटालिक्स, उसमें आपको यहाँ पर RGB CMYK डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स दी हुई है और आप यहाँ से स्क्रॉल करके कलर्स की इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी कलर इफेक्ट सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कीजिए और ओके दीजिए, अगेन ओके दीजिए। आप देख सकते हो बॉर्डर में वो कलर की इफेक्ट आ गई। अगेन F12 करके हम अदर कलर में जाएंगे और यहाँ से आपको हर एक कलर का कोड भी दिख रहा है और नेम है, तो कलर के नेम वाइज भी आप कलर्स ले सकते हो। यहाँ से आप जो भी कलर का नेम सिलेक्ट करोगे, जैसे हमने रेड सिलेक्ट किया, ओके दीजिए और ओके दीजिए, वो रेड कलर की बॉर्डर आ जाएगी। अगेन हम F12 करके बॉक्स ओपन करेंगे, कलर्स में जाएंगे अदर कलर्स में और यहाँ से हम मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इफेक्ट्स दिखा रहे हैं। हम यहाँ से CMYK लेंगे और यहाँ पे आपको एरो दिया है जिससे आप स्क्रोल करके कलर्स की लाइटनेस बढ़ा सकते हो और टर्न करके आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ से कलर सिलेक्ट किया, यहाँ से ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जिस स्टाइल में आपको टर्निंग देना है आप सिलेक्ट कर सकते हो पैटर्न। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है जैसे ही हमने कलर सिलेक्ट किया। अप्लाई करना है नेम वाइज भी, अगर आपको कलर फाइंड करना है तो नेम वाइज कलर सिलेक्ट कीजिए और हर एक कलर का कोड भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे और ओके दीजिए, अगेन ओके दीजिए। आप देख सकते हो आउटलाइन में वो कलर अप्लाई हो गया। अगेन हम F12 करेंगे, कलर बॉक्स में अदर में जाएंगे और कलर प्लेट्स पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर प्लेट्स दी हुई हैं। आपको जो भी कलर प्लेट सिलेक्ट करनी है, RGB, CMYK, ग्रे स्केल, आप जो भी कलर इफेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कलर जो भी आपको सिलेक्ट करना है कलर सिलेक्ट कीजिए। आपके पास में एक ना ओपन बॉक्स का ऑप्शन भी दिया है, वहाँ पर अगर एग्जिस्टिंग कलर प्लेट्स है तो आप वहाँ से ले सकते हो। आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ से ग्रे कलर की प्लेट ली, अगर आपको कोई ग्रे कलर का अप्लाई करना है तो कर सकते हो। और हमने यहाँ से कलर सिलेक्ट किया, नेम वाइज भी हम यहाँ से प्लेट में से कलर सिलेक्ट करते हैं, ओके दीजिए। आप देख सकते हो आउटलाइन में वो कलर फिल हो जाएगा। अगेन हम F12 करेंगे और आपको यहाँ पर दिए विड्थ, जो आउटलाइन की विड्थ है वो आपको चेंज करनी है तो हम यहाँ से विड्थ चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको किस में रखना है विड्थ की साइज, पिक्सल, सेंटीमीटर, डायामीटर, आपको जो भी स्टाइल सिलेक्ट करनी है हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके दीजिए। उस तरह से सेट हो जाएगी। अगेन F12 करके हमें साइज चेंज करनी है तो हम यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, ओके देंगे तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। अगेन F12 करेंगे अभी हम यहाँ पे स्टाइल देखेंगे कि हमें बॉर्डर की स्टाइल कैसे देनी है। बॉर्डर की स्टाइल लेने के लिए आपको यहाँ पर जैसे भी लाइंस चाहिए आप वो लाइन सिलेक्ट कीजिए और ओके दीजिए। आप देख सकते हो बॉर्डर की लाइन स्टाइल वैसी आ गई है। अगर नॉर्मल करनी है तो जैसी थी वैसी नॉर्मल बॉर्डर पर क्लिक करोगे तो नॉर्मल बॉर्डर आएगी। अगर हमें डॉटेड लाइन सिलेक्ट करनी है तो डॉटेड पर क्लिक करो, डॉटेड लाइन आ जाएगी। हम यहाँ से अभी अगर हमें डिस्टेंस बढ़ाना है तो हम यहाँ से डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। हमने जो लाइन सिलेक्ट की है यहाँ से हम डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और ऐड करेंगे और अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, डिस्टेंस उतना लाइंस के बीच में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ से लेंथ चेंज करनी है तो आप लेंथ भी चेंज कर सकते हो, ओके दोगे तो उस तरह से लेंथ चेंज हो जाएगी। अगेन अगर आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स दी हुई हैं उसके लिए हमें सबसे पहले नया ऑब्जेक्ट लेना रहेगा। हम यहाँ से नया ऑब्जेक्ट लेंगे कॉर्नर लाइंस के लिए और यहाँ पर आपको कॉर्नर लाइंस दी हैं, जैसे हमें यहाँ पर सिंपल कॉर्नर लाइंस में
हमने यहाँ से थिकनेस बढ़ा दी, आप देख सकते हो सिंपल कॉर्नर लाइंस मिली हैं। अगर हमें टर्न यानी राउंडेड कॉर्नर लाइंस चाहिए तो राउंडेड कॉर्नर लाइंस पे क्लिक करिए, आप देख सकते हो यहाँ से टर्न आ रहा है हर एक कॉर्नर पे। अगेन हम यहाँ से अगर टर्न के बीच में भी अब ब्रेक रखना है यानी कि थोड़ा सा स्पेस रखना है तो हम यहाँ से टर्न एक कॉर्नर लाइन और ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हर एक कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा ब्रेक आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लाइंस की थिकनेस, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो लाइंस की थिकनेस, आपको जो भी रखनी है आप रख सकते हो। टर्निंग कितना देना है लाइंस बॉर्डर का, ओके दोगे तो उस हिसाब से वो टर्निंग ले लेगा, बॉर्डर टर्निंग। आप देख सकते हो फ्रेम की स्टाइल दिखा रहा है। अभी हम नेक्स्ट एरो के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से लाइन ड्रॉ हुई है, सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए टूल बॉक्स में आपको यहाँ से सिंपल लाइन ऑप्शन भी दिया होता है और पेन टूल भी दिया होता है, हम यहाँ से लाइन पर क्लिक करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम F12 करेंगे और आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के एरोस दिए हैं, हम एंडिंग पॉइंट सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट का एरो जैसे लाना है वो एरो सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। अभी हम लाइन की थिकनेस बढ़ाएंगे, हम यहाँ से थिकनेस बढ़ा रहे हैं, ओके दीजिए, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से एरो में कन्वर्ट हो रहा है। थैंक यू।